सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला नजर मारदे हां सुर्खियां दे वल। केंद्र सरकार ने कोरोना नूं रोकण लई लिया वड्डा फैसला। MBBS दे फाइनल ईयर दे स्टूडेंट भी देणगे कोरोना खिलाफ जंग च साथ। टैली कंसल्टेशन च देणगे सेवावां। नेवी फौज मुखी करमवीर सिंह ने PM नरेंद्र मोदी नाल कीती मुलाकात। कोविड दौरान लोगों की मदद नूं लैके कीती गई वख-वख पहल तो प्रधानमंत्री नूं करवाया जाणू। पंजाब च कोरोना नाल 157 होर मरीजों की मौत। 6,798 होर लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सरकारी स्कूलों की सिक्ख्या म्यार विच होर सुधार लियाउण ते स्कूलों विच वधिया बुनियादी ढांचा मुहैया करवाउण लई सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला वल्लों कीतियां गईयां कोशिशां दे नतीजे वजो हुण तक तकरीबन 13,000 स्कूलों नूं स्मार्ट स्कूलों विच तब्दील कर दिता गया। इस दे नतीजे वजो सरकारी स्कूलों विच पिछले साल तो दाखलियां च वाधा हो रिहा। चालू विद्यक सैशन 2021-22 दौरान यह वाधा हुण तक पिछले साल के मुकाबले 15% तो ही वधेरे हो गया। इस दी जानकारी दिंदियां स्कूल सिक्ख्या विभाग के एक बुलारे ने दस्सिया कि हुण तक 12,976 स्कूलों नूं स्मार्ट स्कूलों विच बदल दिता गया। पंजाब सरकार वालों कोरोना महामारी के वधदे केसां नूं वेखदे हुए नवीं एडवाइजरी जारी की गई सी। 15 मई तक जरूरी दुकाना ही खोलण दे हुकम सन। नाभा विखे दुकानदारा वालों पंजाब सरकार वालों नवीं एडवाइजरी के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। दुकानदारा ने कहा कि सरकार वालों नवी एडवाइजरी तो जारी कर दी गई पर दुकाना बंद करने तो बाद उन्होंने घर का गुजारा किमें चलेगा क्योंकि वह रोज़ दुकान पर कमाते ने उस नाल ही उन्होंने घर का गुजारा चलता है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है पर दुकानदारा वाल किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिता गया। अमृतसर च श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पुरब के संबंध में दरबार साहिब विखे शानदार आतिशबाजी की गई। इस मौके वड्डी गिनती विच सिख संगत ने दरबार साहिब विखे मत्था टेकिया। इस मौके संगतां ने दरबार साहिब विखे गुरबाणी कीर्तन सरवण किया। बहुत वधिया लग रहा जी गुरु घर के दर्शन करके गुरु घर दियां संगतां दे दर्शन करके मन नूं बहुत खुशी हुई है। करोना महामारी के दौर दे विच गुरु घर दे विच संगत दे दर्शन करके अज फिर भी मन नूं तसल्ली है कि ठीक है कुछ काफ़ी फर्क है संगत आई है बहुत वधिया महसूस हो रहा। बहुत आनंद आया जी। मैं एक बारी पहले आके देखी हुई अस्तबा जी सानूं बहुत आनंद आंदा अस्तबा जी देखण दा। मैं अगे भी एक बार आतिशबाजी आया उस तरह से आई दा इत्थे सेवा करन गुरु घर दर्शन मेले करन पर अज बहुत मन नूं सुकून आया संगत दे दर्शन करके। असीं चाहुंदे हां कि सतगुर अपनी कृपा करन ए महामारी दूर होवे गुरु घर फिर उस तरह संगतां दे दर्शन होण आपां गुरु घर दीआं संगतां दे गुरु घर दे सेवा करिए। अज गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जन्म दिहाड़ा है। आप सब जी नूं बहुत सारियां मुबारकां होण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। COVID-19 नूं लैके सूबा सरकार वालों जारी कीतियां गाइडलाइनस की लोग पालना करते नज़र नहीं आ रहे ने। जिथे सूबा सरकार वालों शाम 6 बजे तक धार्मिक स्थान खोलने के आदेश जारी किए सन पर अमृतसर का दुर्गियाना मंदिर शाम 6 बजे तो बाद भी श्रद्धालुओं के लिए खुला रखा गया है। इस संबंधी उत्थे पहुंचे श्रद्धालुओं नाल गल की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार वालों गाइडलाइन तो जारी कर दी जांदियां ने पर जमीनी हकीकत नूं नज़रअंदाज किया जाता है जिसके चलदियां सरकार नूं चाहिए है कि मंदिरां दा समा थोड़ा वधाउण तां जो श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनावां नूं ठेस ना पहुंचे। BSF की 103 बटालियन ने खालड़ा सैक्टर च एक पाकिस्तानी घुसपैठिए हलाक कर दिता है। जानकारी अनुसार BSF की 103 बटालियन के जवानों ने एक पाकिस्तानी व्यक्ति को भारतीय सरहद चौंदिया वेख्या जिसनों रोकण लिए कहा गया। जब वह ना रुकिया तो जवाबी कार्रवाई करदे BSF के अधिकारियों ने उसनों गोलियां मार के हलाक कर दिता है। मारे गए पाकिस्तानी व्यक्ति पासों पाकिस्तानी करंसी के 10 रुपए के 4 नोटों तो इलावा होर कुछ भी बरामद नहीं होया।
पंजाब दी कैप्टन सरकार वालों नशियां नूं पहले चार हफ्तियां विच नशे दा लक तोड़न दी गल कीती जा रही सी। उत्थे अज वी चार साल हो जाण तों बाद वी नशियां नाल नौजवान मौत दे मूंह विच जा रहे ने। अज तपा मंडी दे नेड़ले पिंड सुखपुरा मोड़ दा पढ़िया लिखा नौजवान गुरजीत सिंह नशे दी ओवरडोज दा शिकार हो गया है। नौजवान दी बरनाला च सरकारी हस्पताल विच नशे दी ओवरडोज कारण मौत हो गई है ते नौजवान दी लाश सरकारी हस्पताल बरनाला दे बाथरूम विचों मिली है, जिस नाल सरकारी दावियां दी पोल खुलदी नजर आ रही है। पिंड जेठूके दे नौजवान जसपाल सिंह दी लाश बीती रात रजवाहे विचों मिलन तो बाद पुलिस वालों बनदी कार्रवाई ना करन ते भड़के पिंड वासियां ने सदर थाना रामपुरा दे गेट अगे धरना लगा के प्रदर्शन किया है। किसान आगुआ ने दस्सिया कि जसपाल सिंह दी लाश बीती रात रजवाहे विचों रामपुरा फूल दे कोलों मिली सी। इस पिंड वासियां वालों शक जताया जा रहा है कि जसपाल सिंह दा कतल किया गया, पर पुलिस ने हाले तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाज़त, धन्नवाद।